आज हम लोग चीज़ चिली बनाएंगे। उसके लिए 2 बड़े प्याज, अदरक, हरी मिर्च, 1 शिमला मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ता और 5-6 लहसुन की कलियाँ। एक बड़े बॉल में 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच आरारोट, 1 चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच, 1 चम्मच ब्लैक पेपर, 1/2 चम्मच नमक। अब सबको मिला लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से इसका घोल बना लेंगे। बहुत ना गाढ़ा रहना चाहिए ना पतला रहना चाहिए, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाएंगे ताकि ये गीला ना हो जाए। अगर गीला हो भी जाता है तो आप ऊपर से इसमें मैदा और अरारोट मिला सकते हैं। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। चीज़ मैंने अपने घर पे ही तैयार किया है। देखिए अब इसका बड़ा बड़ा स्लाइस काट लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और नरम है। देखिए कितना सॉफ्ट है। अब एक कढ़ाई को चढ़ाएंगे, उसमें सरसों तेल डालेंगे। आपका जो मन, आप जो भी सरसों तेल डालिए चाहे कोई और तेल डालिए। अब सारी चीज़ को अच्छी तरह लपेट कर उसमें डाल देंगे तेल में। चीज़ को जब तेल में जाता है तो वो थोड़ा फैल जाता है। इसको छानने में थोड़ा दिक्कत तो होता है क्योंकि वो नरम हो जाता है और वो पिघलने लगता है। देखिए मैंने सारा ही छान लिया है। देखिए इस तरह से धीरे धीरे इसको निकाल लेंगे। देखिए आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा है। प्याज को इसमें डाल करके थोड़ा सा चला लेंगे। ज़्यादा नहीं इसको चलाना है, 2-3 मिनट। उसके बाद गार्लिक और जिंजर का पेस्ट डाल करके भून लेंगे। अभी 1 सेकंड भूनते हुए हो चुका है। अब इसमें हम लोग शिमला मिर्च को डालेंगे। हरे मिर्च मैंने 5-6 लिए हैं। हम लोग थोड़ा तीखा ज़्यादा खाते हैं, आप 2 ही लें अगर तीखा नहीं खाते हैं तो। और बड़े बड़े स्लाइस मैंने प्याज और शिमला मिर्च के काटे हैं। मैंने 1 शिमला मिर्च है, 2 मीडियम साइज़ का प्याज है।
आधा चम्मच नमक डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। अब जो बैटर बचा हुआ था उसी में हम लोग सॉस डालेंगे, सोया सॉस, चिली सॉस और टमाटो सॉस दो दो चम्मच। अब इसमें थोड़ा सा आरारोट दे देंगे एक टीस्पून और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे यहाँ पे भी मैंने पानी को ऐड कर दिया है ताकि डालने के बाद नीचे पकड़ ना ले, क्योंकि आरारोट बहुत जल्दी पकड़ता है अगर आप इसको ठीक ढंग से नहीं चलाए तो। देखिए मेरा स्पून भी गिर गया। अब इसको अच्छे तरह से हम लोग खौलाएंगे। अब देखिए इसमें उबाल आने ही वाला है। अब देखिए इसमें उबाल आ चुका है और मेरा ग्रेवी भी गाढ़ा होने लगा है। अच्छी तरह से अब इसमें चीज़ को डाल देंगे। चीज़ चिली बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है देखिए। और मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है चूल्हा को। देखिए बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। आप इसको रोटी पराठा पूड़ी किसी के भी साथ खा सकते हैं। देखिए कितना यम्मी बना है ना।